यह बच्चा एक इस्तेमाल किया हुआ तौलिया प्राप्त करता है और उसे अपने सिर पर रखता है। यह बहुत प्यारा है। बेचारा बच्चा बर्फ के पहाड़ में बंद है। सिर्फ पिंजरे में नहीं रहता, लेकिन उसे बड़ों के लिए खाना भी बनाना पड़ता है। पानी लेने के लिए शैनी जमीन पर बैठ जाता है। डाकुओं में से एक आदमी मदद के लिए आता है। वो बर्फ पर मुक्का मारता है, फिर पानी से एक मोटी ताजी मछली को खरोंचता है। शैनी उसे तुरंत गले लगा लेता है, फिर जमे हुए पे को तने से निकालता है। इसे एक तरफ से निकालकर खोलने की तैयारी करते हैं। लंबा आदमी सालमन बनाने का प्रभारी है। शैनी बर्फ बनाने के लिए अपने अजेय स्टील के दांतों का उपयोग करती है, इतनी तेज की वो रुक नहीं सकती। लुटेरे का चेहरा गंदा देखकर लड़की इसे पोंछने के लिए तौलिए का इस्तेमाल करती है। लुटेरा रोना चाहता है, लेकिन उन दोनों के लिए टेबल पर नाश्ता लाना आसान नहीं है। एक हाथ वाले चाचा ने खाना उखाड़ फेंका। मैं एक अच्छा गर्म नाश्ता चाहता था। शैनी इतनी डरी हुई है कि उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। एक बार फिर उसे नाश्ता बनाने के लिए भेजा जाता है। छोटी लड़की जलाओ लकड़ी के ढेर के पास बैठी है। आग लगाने के लिए जलाओ लकड़ी को रगड़ने की कोशिश करती है, लेकिन चाचा में धैर्य नहीं है। चलो बेबी, आग लगाना नहीं जानता। ओह यार, क्या यही लोग कहते हैं। जल्दी खाने में सक्षम होने के लिए चाचा शैनी को आग जलाने की दवा देता है, लेकिन उसके हाथ में नीला धुआं देखता है। शैनी एक नए विचार के साथ आती है। लड़की धूम्रपान करने का बहाना बनाती है। उस नीली लौ को प्रज्वलित करने का अवसर लेती है जो बड़ी आग जलती है। लेकिन यह अजीब आतिशबाजी, यह पहाड़ के नीचे भाइयों और बहनों द्वारा देखा जाता है। यह निश्चित रूप से शैनी की ओर से एक संकेत है। अपनी बेचारी छोटी बहन के बारे में सोचकर, फिर बहन भाले का उपयोग कांटे को तोड़ने के लिए करती है। वो तार तोड़ती है। लंबी पैदल यात्रा के जूते की एक आसान जोड़ी बनाने के लिए शैनी को बचाने के लिए झरने से पहाड़ की चोटी तक चलने की तैयारी करते हैं। अब सब कुछ तैयार है। दोनों आधिकारिक तौर पर पहाड़ की चोटी पर पहुँचते हैं। पहले दीपक के सिरे का उपयोग बर्फ पर चिपकाने के लिए करती है। उसके जूते बर्फ की दीवार से टकरा गए। इस तरह कदम दर कदम छोटी बहन को पहाड़ की चोटी पर चढ़ने में कठिनाई होती है। अपनी बहन को दीवार से चिपका देख शैनी अपना सिर बगल की ओर कर लेती है। मुझे प्यास लगी है, मैं ताज़ा पानी पीना चाहती हूँ। यह बच्चा बहुत परेशान है। लेकिन लुटेरे को लड़की को देखने का आदेश दिया जाता है। लुटेरे की झिझक से वाकिफ कुएं कुएं है मेरे कमजोर दिल। चोर पानी लेने जाता है। अवसर लेते हैं। बड़ी बहन ऊपर चढ़ने का अवसर लेती है और ताकत के साथ पिंजरे का दरवाजा सफलतापूर्वक खोलती है। लेकिन जब वो कहती है कि वो शैनी को दूर ले जाएगी, फिर उसे ठुकरा दिया जाता है। वह चले जाते हैं। शैनी ने सुना कि चाचा की बड़ी योजना है, हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि क्या। लेकिन शैनी को यहाँ एक जासूस के रूप में रहने की आवश्यकता महसूस होती है। लेकिन तुम तो अभी बच्चे हो। बच्चा नहीं, निर्धारित किए जाने हेतु शैनी ने पिंजरे का दरवाजा बंद किया। लेकिन बड़ी बहन अभी भी चिंतित है कि वो बच नहीं सकती। अब शैनी लटकन को बाहर निकालती है। शीर्ष पर साफ सुथरी चोटी दिखाती है कि वो अपना ख्याल रख सकती है। अंत में बहन अब और नहीं सहती। अनिच्छा से दरवाजा बंद करने के बाद शैनी को अनलॉक करने के लिए एक आइटम देती है। अलविदा कह रहे दो लोग, लेकिन वो लुटेरे को शीतल पेय की बोतल लाते देखती है। चाचा असामान्य रूप से गुस्से में हैं। क्या तुम मुझे धोखा दे रहे हो? वो तुरंत पिंजरे को चट्टान से फेंकने का आदेश देता है, क्योंकि वो शैनी के बारे में चिंतित हैं। दो भाई और बहनें पहाड़ की चोटी पर लौट आए। सुनिए यह बुरी खबर, सब बुरे लोग हैं। इस पर शैनी कार के पीछे से दिखाई देती है। पता चला वो अभी भी जिंदा है। भाई बहन अब राहत दे सकते हैं। लेकिन अचानक पहाड़ पर स्काउट्स का एक समूह दिखाई देता है, धन की दूसरी पीढ़ी। दरअसल यह भी चाचा के निशाने पर हैं। जब बच्चे कालीन के बीचों बीच चलते हैं, सीटी तुरंत बजती है। आसमान में उड़ते तीन चील, वो बारी बारी से जमीन पर पड़ी लकड़ी की डंडियों को पकड़ते हैं। कालीन पकड़ लिया गया है, बच्चों का सामूहिक कैदी बन जाता है। और फिर शैनी के भाई और बहन की बारी है। कोई अंतिम शब्द? शैनी स्लेज को आगे बढ़ाती है, केवल उसे छोटे छोटे पैर दौड़ते हुए देखता है। चाचा डर गए हैं और उसके बसने की प्रतीक्षा करते हैं। वो जल्द ही स्लेज पर आ गए। वो जमे हुए पानी के नीचे सीधे उतरते हैं, जंगल से गुजरते हैं। उस समय भाई रुकना चाहता है, लेकिन ब्रेक गलत। अंत में वो एक बर्फ के मैदान पर रुकते हैं। बर्फ की सतह लगातार ऊपर उठती है। तीनों को पता चलता है कि यह वास्तव में एक पनडुब्बी है। वो प्रवेश पाइप के साथ चढ़ते हैं। वो दो चालक दल के सदस्यों से मिलते हैं। दूसरी तरफ से मदद मिलने के बाद बच्चे फिलहाल सुरक्षित हैं। लेकिन रास्ते में उस दिन कप्तान एक विशाल ऑक्टोपस को आ रहा देखता है। बच्चे तुरंत डिवाइस बंद कर देते हैं और खिड़की पर चले जाते हैं। लेकिन पता चलता है कि यह एक अजीब पनडुब्बी है। तंबू उनकी नाव के चारों ओर लपेटते हैं। फिर कोई धीरे से नीचे उतरता है। वो चाचा, ये ऐसा है, संकीर्ण गली में याचिका करता। वो बच्चों को समुद्र के नीचे खजाने की खोज पर ले जाता है। लेकिन जब यह तीनों खाली पड़े बंकर में घुस जाते हैं, वहाँ घातक माइसिलियम मेडुसा का सामना करते हैं। पनडुब्बी में वापस जाना आसान नहीं है। भाई सिर्फ सिर घुमाता है। शैनी को फंगल इन्फेक्शन है। दो बहनें बहुत घबराई हुई हैं। मामा को माइसिलियम फैलने का डर है। तीनों को तुरंत आइसोलेशन के लिए डिटेंशन रूम में ले जाना है।
उस समय चैनी और अधिक गंभीर हो जाती है। वो बहनों की मदद की गुहार लगती है। चाचा ने बेरहमी से दरवाजा बंद कर दिया, फिर उन्हें पढ़ाने के लिए अपने माथा भेजता है। अधीनस्थ शैनी के साथ कुछ करना चाहता है, लेकिन पता चलता है कि शैनी को फंगल इन्फेक्शन हो गया है। यह वाकई खतरनाक है। सब उसे देखकर चिंतित हैं। वो अपना सिर वापस शैनी की ओर घुमाता है। हाँ, मेरी मदद करो। और सहन नहीं कर सकता, उनमें से तीन को भगाने का फैसला करता है। वो उन्हें चाचा को विचलित करने में मदद करता है, फिर स्ट्रोब लाइट का उपयोग करता है। दो भाई बहन सफलतापूर्वक अराजकता पैदा करते हैं और फिर भीड़ के साथ घुलने मिलने का अवसर लेते हैं। उनकी पनडुब्बी के लिए सीढ़ी का पालन करते हैं। सामग्री की खोज करके वो सरसों को मारक के रूप में पाते हैं। वो अपने मुंह और नाक को रुमाल से ढकते हैं। शैनी का हेलमेट सावधानी से उतारते हैं। शैनी को एक चम्मच सरसों खिलाया जाता है। शैनी का पीला चेहरा फिर से गुलाबी हो गया। उन्होंने मेडुसा के माइसिलियम को हराया है। तीनों ने एक दूसरे को कसकर गले लगाया, लेकिन उनके दुष्ट चाचा अभी भी मूर्ख है और भाग्य का सपना देख रहा है। मुझे नहीं पता कि वो भागे हुए बच्चों को ढूंढता है या नहीं। वो कैसा व्यवहार करेगा? शायद इस दुनिया में हमेशा द्वेष रहता है, लेकिन ईमानदारी तो होनी ही है। अच्छे लोग और बुरे लोग निरपेक्ष नहीं होते हैं। हर अनुभव एक विकास है। मैं एक साहूं, अलविदा।